शब्दों की ताकत, पावर ऑफ वर्ड्स, रियल लाइफ इंस्पिरेशनल स्टोरी। हमने अक्सर सुना है, जो भी बोलो सोच समझ के बोलो। समझदार लोग अक्सर ये बात जरूर कहते हैं कि जब भी कुछ बोलो तो अपने शब्दों को तोल मोल के बोलो, यानी कि कब, कहां, क्या और कैसे बोलना है उसका एक ही हिसाब रखो। हम जो भी बात दूसरों से कहते हैं या जो भी शब्द दूसरों को बोलते हैं उसका असर किसी ना किसी तरह से उनकी और हमारी जिंदगी में जरूर पड़ता है। जिस तरह किसी को गाली देने के लिए और देने से लड़ाई हो जाती है, तो किसी से प्यार से बात करने पर दोस्ती हो जाती है। दोस्तों, हमारे शब्दों में बहुत ताकत होती है और सामने वाले पर उसका असर भी काफी गहरा पड़ता है। जिस तरह एक मोटिवेशनल स्पीकर अपनी बातों के दम पर लोगों की जिंदगी बदल देता है, उसी तरह हमारे शब्द भी किसी की जिंदगी को बदलने या फिर बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। आज की इस रियल लाइफ मोटिवेशनल स्टोरी को सुनने के बाद आप इस बात को बखूबी समझ पाएंगे कि किस तरह किसी की बोली हुई बातों से भी जिंदगी बदल जाती है। ये शॉर्ट इंस्पिरेशनल स्टोरी आपकी लाइफ में हमेशा हमेशा पॉजिटिव रहने की प्रेरणा देती है, क्योंकि एक पॉजिटिव सोच वाला व्यक्ति ही हमेशा पॉजिटिव और प्रेरणादायक बातें करता है। इस मोटिवेशनल कहानी से आप शब्दों की असली ताकत को पहचानेंगे। किसी ने खूब कहा है, जो खो गया उसके लिए रोना नहीं, जो पा लिया उसे खोना नहीं। सितारे भी चमकते हैं उन्हीं के जो मजबूरियों का रोना रोया नहीं करते। एक बार एक छोटा सा बच्चा स्कूल से दौड़ता हुआ आया और सीधा अपनी माँ के पास गया। माँ के पास पहुंचकर उसने अपने स्कूल बैग से एक लेटर निकाला और अपनी माँ को वो लेटर देते हुए बोला, ये मेरी टीचर ने सिर्फ और सिर्फ आपको देने को कहा है, आप इसे पढ़कर मुझे भी बताओ कि इसमें आखिर क्या लिखा हुआ है। उसकी माँ ने वो लेटर खोला और पढ़ा तो वो थोड़ा उदास सी हो गई। अपनी माँ को उदास देखकर उस बच्चे ने पूछा, माँ इस लेटर में क्या लिखा हुआ है। उसकी माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा आपकी टीचर ने लिखा है आपका बेटा बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है और उसे पढ़ाने के लिए हमारे स्कूल में अच्छे टीचर नहीं हैं, तो कल से आप अपने बच्चे को घर पर ही पढ़ाएं और इसे स्कूल ना भेजें। उस माँ ने अपने बच्चे को घर पर ही पढ़ाना शुरू कर दिया और वो बड़ा होकर वो बच्चा एक बहुत ही जीनियस और एक सफल इन्वेंटर बना। एक दिन अपने घर की सफाई करते हुए उस लड़के को अपने पुराने सामान में उस टीचर का दिया हुआ वो लेटर मिला। उसने वो लेटर पढ़ा तो वो हैरान हो गया, क्योंकि उस लेटर में लिखा था, आपका बच्चा मानसिक रूप से बीमार है और ये पढ़ाई में बहुत कमजोर है, अब हम इसे अपने स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, बेहतर होगा आप इसे घर पर ही पढ़ाएं। उस बच्चे की आंखों में आंसू आ गए और वह सोचने लगा कि किस तरह से उसकी माँ ने शब्दों ने उसकी जिंदगी को बदल दिया। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है थॉमस एल्वा एडिसन की, जिन्होंने 100 यानी कि 1000 बार फेल होने के बावजूद भी लाइट बल्ब का आविष्कार किया। एडिसन ने लाइट बल्ब के अलावा और भी बहुत से आविष्कार किए, जिसकी वजह से वह अपने टाइम से सबसे सफल इन्वेंटर माने जाते हैं। एडिसन की पढ़ाई की कहानी। एडिसन का मन पढ़ाई में बहुत कम लगता था, उसी की वजह से उन स्कूल से उसको निकाल दिया गया था, लेकिन उसकी माँ की दी गई शिक्षा के कारण वो जिज्ञासु बना रहा और लाइफ में सफल हो सका। सीख जो हमें मोटिवेशनल स्टोरी से मिलती है, ये छोटी सी प्रेरणादायक कहानी हमें ये बताती है और यह सिखाती है कि लोगों द्वारा कही गई बातों में बहुत पावर होता है। जिस तरह हमारी बातें किसी का हौसला बना सकती हैं, उसी तरह किसी का हौसला तोड़ भी सकती हैं।
अक्सर लोग वही काम करते हैं जो वो सुनते हैं, बोलते हैं और समझते हैं। अच्छी बातें सुनने वाला व्यक्ति हमेशा अच्छे काम करता है और दूसरों को भी वही सलाह देता है। उसी तरह गलत बातें सुनने वाला व्यक्ति गलत काम करता है और दूसरों को भी वैसे ही सलाह देता है। हम जिस तरह के लोगों की बातें सुनते हैं, हमारा मन भी उसी तरह जाने लगता है। अपनी माँ की बातों की वजह से ही एडिसन को खुद पर विश्वास आया। उन्हें बचपन से ही ये लगने लगा कि वो कोई लूजर नहीं बल्कि एक विनर है। अगर एडिसन की माँ उस दिन उसे सच बता देती तो शायद बचपन में ही एडिसन का विश्वास खुद पर से उठ जाता और वो शायद कभी भी सफल नहीं बन पाते। अपनी टीचर की बातें अगर वो पढ़ लेते तो वो खुद को हमेशा लूजर ही समझते। हमें खुद को और दूसरों को हमेशा अच्छी बातें ही बोलनी चाहिए और हमेशा उन्हें अपनी बातों के जरिए प्रेरणा देनी चाहिए जिसे वो आगे बढ़ सके, कुछ अचीव कर सके और खुद पर विश्वास कर सके। अच्छी सोच और अच्छी बातें इंसान को हमेशा लाइफ में आगे रखती हैं। अच्छा बोलें, अच्छा सुने और हमेशा एक पॉजिटिव सोच रखें। इस दुनिया में नामुमकिन जैसी कुछ चीज है ही नहीं। हम जो सोच सकते हैं उसे कर भी तो सकते हैं। हमें बस खुद पर विश्वास होना चाहिए, खुद के बारे में भी कभी नेगेटिव बातें ना करें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटी सी मोटिवेशनल कहानी शब्दों की ताकत पता चली होगी कि कैसे एक बच्चे ने अपनी जिंदगी को जिया और उसमें किस चीज़ ने मदद की, उसके माँ के कहे हुए शब्दों ने। दोस्तों, ऐसे ही धार्मिक, पौराणिक और मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।